वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन सहा। स्वागत है आप सबको मेरा चैनल में। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, ठंड पड़ रही है ना, तो ठंडा प्रिकॉशन लीजिए और अपने आप को सेव रखिए। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉगिंग लेके आई हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा मन की बात है। तो फ्रेंड्स, आज का विषय है जो दूर दूर गांव से जो शहर में औरत जो हैं, जो कुछ कुछ सामान लेके आके शहर में बेचते हैं और फिर घर में चले जाते हैं, उन लोगों के बारे में मुझे थोड़ा सा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं उन लोगों की बात। तो मैं हमेशा बाज़ार जाती हूं और बाज़ार जाके उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में मैं सुनी उन लोगों से बात करके। तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और दुख हुआ कि कितना कष्ट से वो लोग आते हैं घर से, जो कि होल नाइट जर्नी करते हैं। एक क्लिप भी मैं दिखाऊंगी मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद, देखिएगा ज़रूर, और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को मुझे लगता है। तो वो लोग गांव से आते हैं होल नाइट जर्नी करके, जो कि 12 बजे रात को घर से निकलते हैं, फिर वो लोग गाड़ी पकड़ते पकड़ते और एक घंटा 1 बजे रात में गाड़ी पकड़ते हैं, उसके बाद आते हैं 5 बजे तक शहर में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो सब्जी वगैरह 2-3 हज़ार का ही सामान वो लोग लाते हैं, लाके पूरा दिन वो लोग बेचते हैं और शाम तक घर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरा कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, जो इतना दूर से होल नाइट का जो नींद है उसको ख़राब करके और उतना थोड़ा सा जो 2-3 हज़ार का सामान लेके आते हैं, उसमें भी जब हम लोग आम जनता जब ख़रीदने जाते हैं तो उन लोगों के बारे में थोड़ा सा सोचनी चाहिए हम लोगों को फ्रेंड्स। जो वो लोग मूल्य बताते हैं, जितना प्राइस बताते हैं, उससे भी हम लोग चाहते हैं कि और कम करें और कम हो जाए और कम में ही दे दे तो ही अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगता है फ्रेंड्स? ऐसा नहीं लगनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि जब हम लोग 1 वीक में या तो 1 मंथ में जब कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या बड़ा सा अच्छा सा होटल में खाना खाने जाते हैं, तो उसमें तो हम लोग कितना रुपया दे के, कितना प्राइस मनी दे के भी हम लोग खाना खा लेते हैं, उसमें भी हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा दया होनी चाहिए ना फ्रेंड्स। इन लोगों को तो थोड़ा बहुत हम लोग जितना वो लोग बोल रहे हैं उतना देनी चाहिए पैसा, थोड़ा ज़्यादा भी दो एक पैसा दे देने से भी कोई आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाने से हम लोग उतना सामान फेंक भी आते हैं, छोड़ के भी आते हैं। तो वो सही रहेगा फ्रेंड्स, या तो इन लोगों के थोड़ा सा हेल्प करें वो अच्छा रहेगा। तो एक छोटा सा क्लिप देखिए, मैं दिखाऊंगी वीडियो ख़त्म होने के बाद, जाइएगा मत, बने रहिए मेरा चैनल में। और देखिए, मैं पूछ रही हूँ उनसे कि कितना कब उठी है, फिर पूरा दिन ना खा के रात को जो वो लोग निकलते हैं होल नाइट जर्नी करने के बाद जब घर आते हैं तभी वो लोग खाना खाते हैं, और पूरा दिन बिना खाए। मैं पूछी, आप क्या खाई हैं सुबह से? 12-1 बज रहा था शायद। तो बोले, कुछ नहीं, 2 बार चाय पी हूँ, तो जब बिक जाएगा मेरा सब तो मैं होटल में खाना खा के जाऊँगी। तो मुझे इतना दुख लगा ना कि मैं क्या बताऊँ, कि हम लोग जो जनता है चाहते हैं कि थोड़ा और कम में ही दे दे और दो एक फ्री में दे दे तो और ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। उन लोगों को भी थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए कि हाँ, जितना मनी है उससे थोड़ा 2-1 पैसा ज़्यादा भी दे दे तो भी कोई बात नहीं। तो एक क्लिप देखिए और बने रहिए मेरे चैनल में। तो चलिए दिखाती हूँ। अपना नाम टू कॉक्सून नाम टू कॉक अपना नाम अमन नाम सिल्मे शर्मा। अच्छा, अपनी किमान राति पुआ उठी आई से? हमें राति पुआ 12 बजे आई से। 12 में गाड़ी टूटी से न? हाँ। यहाँ ते आई पाई से 5 ते? हाँ, 5 ते। यहाँ पर बोई एक खुआ ना है? हाँ। कुरिया खाबो? इमान कष्ट करी आहे न? देखिए फ्रेंड्स, इतना कष्ट करके इन लोग आते हैं रात को गाड़ी में चढ़ के, 1 बजे से गाड़ी में चढ़ते हैं और पूरा रात जर्नी, उसके बाद सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं, फिर बाज़ार लगाते हैं और उसके बाद कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, दोपहर को खाना खाते हैं। तो कितना कष्ट ये लोग औरत लोग बाज़ार लगाते हैं, या तो जेंट्स लोग भी जो बाज़ार लगाते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को दिखाऊँगी मैं कितना कष्ट से बाजार।
सारे लोग आए हैं ना फ्रेंड्स बाजार लगाने, बाजार यहाँ बैठा है। सारे लोग ऐसा ही बहुत रात को उठ के गाड़ी में चढ़ते हैं और सुबह 5 बजे यहाँ लगा लेते हैं बाजार। और वो बिना खाए हम लोगों को इतना सारे चीज़ें देते हैं, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ, फल सब चीज़ मिल जाती है। तो फ्रेंड्स मेरा ये क्लिप और ये ब्लॉगिंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है अच्छा ही लगा होगा। और मैं सारे किसान को ही बोलना चाहूँगी, उन्हीं के लिए आज हम लोग जिंदा हैं और अच्छे अच्छे खाना खा पा रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी दया होनी चाहिए हम लोगों सभी का मन में। और उनसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं, जितना रेट है उतना ही देनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी अगर थोड़ा बहुत मांगे तो दे देनी चाहिए मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नया व्यूअर्स है मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नया ब्लॉगिंग या तो नया कुकिंग के साथ।